700, सीरिया 800, कुवैत 13,500, जॉर्डन 3,000, सऊदी अरब 2,700, कतर 10,000, संयुक्त अरब अमीरात 3,500। इस बीच इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने F-15 बेस का दौरा किया है। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अगर हमला किया तो इसराइल भी हिसाब बराबर करेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम चुनौतीपूर्ण समय में हैं, हम गाजा में युद्ध के बीच में जो पूरी ताकत से जारी है, बंधकों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह है कि F-15 फाइटर जेट लंबी दूरी का वार करने के लिए इसराइल का प्राथमिक हथियार है। हमारा सिद्धांत सरल है, जो भी हम पर हमला करेगा हम उसे मारेंगे। ईरान किस वक्त इसराइल पर अटैक करेगा, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश तारीख और वक्त बताकर किसी देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ता। लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया वो युद्ध देखेगी जिसमें होने वाले नरसंहार के बारे में फिलहाल सिर्फ सोचा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर देश भिड़े तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरह होगा। नमस्कार, मैं हूं ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे ईरान और इसराइल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के बारे में। तो ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब होगा परमाणु युद्ध? तो इसराइल और ईरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। ईरान ने 5 घंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी जनरलों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध अभी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर ईरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी स्थिति में रूस ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। से युद्ध, ईरान के साथ रूस। अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश ये सोच रहे हैं कि हम ईरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इसराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage
that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। दो साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है, इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 वहां से 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में अपनी घातक मिसाइल 3 लाख तोप के गोले 10 करोड़ गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रॉकेट जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इजराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ایران کے ساتھ مسلم ورلڈ، اسرائیل کے ساتھ ناٹو، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ जहां रूस ईरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी और नेटो देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है। पहले आप ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इजराइल पर भयानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर जाने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इजराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि ईरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरूशलम की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है। इजरायल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इजरायल की और मदद करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है ईरान की सेना ज़ायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इजराइल पर हमले किए, लेकिन वहीं इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उसने इजराइल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इजराइल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इजराइल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज्यादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान द्वारा दागे गए करीब 99% ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ईरान के 170 मिसाइल और ड्रोन को इजरायल के बाहर ही मार दिया गया, जबकि ईरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इजरायली एयर स्पेस में नहीं घुस पाई। 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई। ईरान की 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई जिन्हें तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के नेवातिम एयर बेस में गिर गई थी। इजरायली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ईरान के 320 ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई। המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה
אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה. ईरान ने दिखाया ट्रेलर, युद्ध तो अभी बाकी है। पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्चिम एशिया में जंग से बने हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन जंग में सीधे तौर पर कूद पड़े हैं। इजराइल भी ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दें, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है, अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है और इसीलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसराइल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। तो वहीं खेबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासिम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाज़ टेन नाम का घातक ड्रोन भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मुहाज़ टेन अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. अब ऐसे हालात में अगर ईरान रूस के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है तो फिर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर भी इजराइल को ईरान से बचा नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और इजराइल ईरान के हमले का बदला कैसे लेता है, क्योंकि रूस अब ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हुर्रा! अभी ईरान के हमले के कुछ ही घंटे गुजरे हैं और उधर इजराइल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के हथियार डिपो को बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल ने पूरी फोर्स के साथ ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान भी किया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अड़तालीस घंटे यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इजराइल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है। क्योंकि रेडी हो गई मिसाइल, 48 घंटे में बदला लेगा इजराइल। तेहरान में जेरिको का धमाका, ईरान का बचना नामुमकिन। मोसाद का ऑपरेशन घर में घुसकर बदला, 48 घंटे बाद खाड़ी में एटमी यलगार। ईरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है, इजराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तैयार है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है, इजराइल एयर पावर का मोस्ट शॉकिंग शो दिखाएगा। ईरान ने इजराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है, इजराइल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा। ये युद्ध
अब किसी के रोके नहीं रोक सकता, ये बारूदी विध्वंस अब किसी के टाले नहीं टल सकता, क्योंकि ये युद्ध इजराइल के वजूद का है, क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इजराइल का इस दुनिया में होना ही बर्दाश्त नहीं। सही समझ रहे हैं आप, ईरान को इस धरती पर इजराइल की मौजूदगी खटकती है, इसलिए ये जंग आर पार के मोड़ तक जाएगी। इजराइल इसके लिए तैयार बैठा था, मौका ईरान ने दे दिया है। 300 विस्फोटक हथियारों से हमला कर ईरान ने इजराइल को युद्ध के मैदान में बुलाया है। दुनिया जानती है कि जब भी इजराइल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है। इजराइल क्या क्या करने जा रहा है, तेहरान में टेरर क्यों है, ईरान इजराइल टकराव की लास्ट स्टेज क्या होगी, इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है। इजराइल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है, इजराइल जैसे सोल्जर बहुत कम सेनाओं के पास हैं। इजराइल के सबसे खूंखार और शातिर खुफिया कमांडो मोसाद भी जंग के लिए तैयार है। इजराइल फुल फोर्स में अटैक मोड में आने वाला है। ईरान के पास डेडलाइन भी महज 48 घंटे की है, इस टाइमलाइन के बाद क्या हो सकता है, इसे समझना है तो पहले ये जानिए कि इजराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं। ऐसे हालात में इजराइल ईरान को सबक कैसे सिखाएगा, ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा, जवाब सीधा है, युद्ध तकनीक का होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की टक्कर होगी, युद्ध के नतीजे आसमानी लड़ाके ही तय करेंगे। दुनिया का सबसे घातक जंगी जेट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इजराइल के पास है। F-35 स्टेल्थ फाइटर की खासियतें देखिए। F-35 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है। F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम। F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता। F-35 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। F-35 जमीन हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम। F-35 910 किलो के 6 बम लेकर उड़ सकता है। F-35 का बेड़ा ईरानी तबाही का सबब बन सकता है। वहीं ईरान जिस मिसाइल पावर की धौंस जमाता है उसके मामले में इजराइल भारी पड़ता है। इजराइल की एक मिसाइल ही ईरान में खूनी कोहराम मचा सकती है। नाम है जेरिको मिसाइल। इजराइल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था। मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबल शहर के नाम पर रखा गया था। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट के सहयोग से बन रही थी, बाद में इजराइल ने इसे अपने दम पर तैयार किया। मौजूदा समय में जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल के 3 सिस्टम इजराइल के पास हैं। इसकी क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर तक है। पूरा ईरान इजराइल की एक मिसाइल की जद में है, यानी ट्रिगर तेल अवीव में दबेगा और बारूदी जलजला ईरान में उठेगा। अपनी धरती से ईरान को दहलाने तक ही इजराइल नहीं रुकेगा। ईरान में घुसकर भी इजराइल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देगा। हालांकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है, जैसे कि इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा चलाकर इराक के परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इराक के ओसी राक परमाणु रिएक्टर खत्म करने के लिए इजराइल ने F-16 जेट उड़ाए थे। ऐसे इजराइल के सबसे घातक लड़ाके हैं मोसाद एजेंट, जिनका दुनिया भर में डंका बजता है। मोसाद एजेंट्स ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था। मोसाद एजेंट के ऑपरेशन से ईरान किस कदर खौफ खाता है, इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी, जब तेहरान में घुसकर मोसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपाकर रखे गए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए थे। ईरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। मोसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं, दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। वॉर फ्रंट पर मोसाद एजेंट ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों में फुल फ्लैश्ड वॉर की नौबत आने पर कई और फर्क साफ।
जैसे ईरान के पास भले ही पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एयर बैटल के तमाम हथियार डेवलप कर लिए गए हैं, लेकिन इसराइल के मुकाबले उसके सैनिक ट्रेंड नहीं है। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनकी एयरफोर्स है। ईरान की एयरफोर्स इसराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। इसराइल इस मामले में ईरान से कोसों आगे है। ईरान के पास भले ही नंबर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के फ्रंट पर इसराइल दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन ईरान को बेहद कमजोर समझना भी इसराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसीलिए पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और इसराइल, इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया, लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है। लेकिन इसराइल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तेमाल करता है। हर हथियार। मुमकिन है कि ईरान से आर पार की नौबत आए तो इसराइल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे, क्योंकि ईरान से युद्ध में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही। कट्टर दुश्मन दोनों मुल्क आखिरी सांस तक जंग जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का ये बटन दब सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है। जाहिर है न्यूक्लियर युद्ध के खतरे को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसराइल इंतकाम लेने के लिए कुख्यात है। इसराइल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर तनाव के हालात हैं और इस बीच में एक खबर है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तो नाबूद करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया है जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो इसराइल तक पहुंचकर हमला करने की ताकत रखती हैं। इनमें से कुछ की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं। ईरान ने आज अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन इनमें भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इसराइल के जनरल खौफ खाते हैं। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल, सेज्जिल मिसाइल ईरान के द्वारा 2 चरणों में विकसित की गई है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी। इसका डिजाइन ईरान के ज़ेलज़ल SRBM से लिया गया था।
सेज्जल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमले कर सकती है। ये हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है। ईरान की दूसरी घातक मिसाइल खैबर मिसाइल। ईरान की खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। खैबर मिसाइल ईरान की मिसाइल फैमिली की चौथी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बनाई है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूद और हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का नाम ईरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था, जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था। खुर्रम शहर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दौरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है। ये मिसाइल ईरान में सयाद 3 मिसाइलों के साथ एक खास समारोह में दिखाई जा चुकी है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल इमाद मिसाइल। इमाद मिसाइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है। ये मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है। इमाद ईरान की पहली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सतह से सतह पर मार करती है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य के 500 मीटर के दायरे में सटीक हमला कर सकती है। इसराइल इस मिसाइल को अपने लिए विशेष खतरा मानता है। ईरान की चौथी घातक मिसाइल शहाब 3 मिसाइल। शहाब मिसाइल भी ईरान ने विकसित की है। यह ईरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग 1 पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। ये मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1200 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हल्के पेलोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल चीन में बनी हुए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है। शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ही करती है। ईरान की पांचवी घातक मिसाइल फत्ता 2 मिसाइल। फत्ता 2 ईरान में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम हो रहा है और भविष्य में इसके और संस्करण बनाए जाने की उम्मीद है। फत्ता 2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पहचाने लक्ष्य को भेदने और निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा फत्ता ठोस ईंधन बूस्टर, जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाता है, और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वॉरहेड है, जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। फत्ता 2 मिसाइल को ईरान के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की सबसे घातक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आयरन डोम के कवच को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। दरअसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर ईरान ने बड़े बड़े दावे किए हैं और इनमें से एक दावा यह भी है कि यह मिसाइल आयरन डोम को तोड़ देगी। जब ईरान ने यह मिसाइल बनाई थी, तब ईरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि इजराइल के शहर तेल अवीव को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर देगी? Terrorists
6 जून 2023 को ईरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ एक महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इसराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इसराइल को हिट कर देगी। ईरान के अंदर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के बाद बहुत जबरदस्त जोश है। ईरान के सरकारी टीवी में ये दावा किया गया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के एयर डिफेंस और इसराइल के आयरन डोम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है। ईरान के इन बड़े बड़े दावों पर इसराइल की भी त्योरियां चढ़ गई हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हथियारों के बारे में शेखी भगा रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हथियार के लिए और भी बेहतर जवाबी हथियार तैयार हैं, चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री क्षेत्र में। ईरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा। इसराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी रफाइल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीज किया गया। इसराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस क्षमता का हर कोई लोहा मानता है। इसराइल के पास दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इसराइल का दावा है कि उसने दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तैयार कर लिया है। स्काईसोनिक नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम आवाज से 10 गुना तेज यानी मैक 10 तक की रफ्तार से गुजरती मिसाइलों को ट्रेस कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है, स्काईसोनिक फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेगा। यही नहीं, स्काईसोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों तरह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे। अगर युद्ध हुआ तो ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या खास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है? हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज 1 घंटे में 1225 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस तरह 1 मैक स्पीड का मतलब है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक स्पीड का मतलब है 6125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर गुजरने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है। इतना तेज हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे। این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره، یعنی هم سامانهای پدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانهای فوق العاده گرون قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی کنم تا ده ها سال بعدم
कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसराइल ईरान के बीच कभी भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान इसराइल से बदला लेने पर उतारू है। अमेरिका ने इसराइल की रक्षा के लिए अपने जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं, तो उधर रूस भी ताल ठोक रहा है कि ईरान का साथ देगा। अब सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इसराइल संघर्ष के बाद दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये युद्ध एटम बम वाला होगा। देखिए रिपोर्ट। खाड़ी खोल रही है, ईरान इज़राइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त ईरान इज़राइल पर हमला कर सकता है। इज़राइल कह रहा है कि वो ईरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालात चिंताजनक हैं। युद्ध की रणभेरी बजने से पहले ईरान और इज़राइल दोनों जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर पाताल तक अपनी शक्ति तौल रहे हैं। ईरान इज़राइल युद्ध भड़कता है तो इसकी चिंगारी इन दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी। ये आग मॉस्को भी पहुंचेगी, ये आग वॉशिंगटन भी पहुंचेगी और तब होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध। सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला संग्राम, जिसमें जमीन तो इज़राइल ईरान की होगी लेकिन आमने सामने होंगे दुनिया के दो ताकतवर देश, अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका, जो कि पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी जबरदस्त सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता रहा है, अब और आगे बढ़ रहा है। इज़राइल पर ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने दो विध्वंसक जहाज उतार दिए हैं। पहला है यूएसएस कार्ली, जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर कूच कर दिया है। इस विध्वंसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी अर्ले बर्ग श्रेणी का विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी हार्पून एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर से लैस है। 1996 से अमेरिकी नेवी में ये विध्वंसक अमेरिका का अग्रणी हथियार बना हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इज़राइल को हारते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका को इज़राइल की चिंता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व में इज़राइल अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान से अमेरिका की कट्टर दुश्मनी है और खाड़ी देशों को उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इज़राइल का साथ देना ही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसे देखते हुए ईरान इज़राइल के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने से अब तक बचता रहा है, लेकिन अब इज़राइल ने ईरान के सीरिया वाले दूतावास पर अटैक कर दिया है, जिसे ईरान बर्दाश्त करता है तो उसकी इमेज मुस्लिम देशों के बीच खराब होगी। ईरान मानता है कि मुस्लिम देशों में और इज़राइल के खिलाफ झंडा लेकर आगे बढ़ने में वो सबसे आगे है, लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई इज़राइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। और उधर अमेरिका साफ लहजे में कह रहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed.
इसराइल को भी अमेरिका का ही सहारा है। ये अमेरिका ही है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसीलिए ईरान के युद्ध छेड़ने की धमकी के बाद अमेरिकी नेवी का मूवमेंट तेज हो गया है। यूएसएस कार्नी विध्वंसक की डिटेल आपको दिखाई, अब दूसरे विध्वंसक से जुड़ी डिटेल देखिए। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इसराइल पहुंच रहा है। ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर है, जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। इसकी क्षमता 5,000 सैनिकों को ले जाने की है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के अभियानों में मदद पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभा चुका है। अमेरिका हमास इसराइल युद्ध भड़कने के साथ ही खाड़ी में केलेबंदी कर चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान या मुस्लिम देश नहीं खड़े होंगे, बल्कि खड़ा होगा रूस। रूस जो यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी मदद के चलते अब तक लड़ता रहा, हजारों सैनिक गंवा चुका है, करोड़ों डॉलर फूंक चुका है, और अभी ना जाने युद्ध कब तक रूस का खून चूसेगा। इसलिए हो सकता है कि रूस ईरान इसराइल युद्ध छेड़ने की सूरत में अमेरिका से यूक्रेन वाला बदला लेने के लिए भिड़ जाए, यानी अमेरिका के जंग में कूदते ही ब्रिटेन समेत अन्य पश्चिमी देश भी इसराइल के साथ मोर्चा संभाल लेंगे। इस हालत में ईरान कमजोर पड़ेगा और उसे भी मदद की जरूरत होगी। यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका की मनाही के बावजूद ईरान ने रूस को भर भर कर ड्रोन सप्लाई किए हैं, जिसने यूक्रेन में खूब कहर मचाया है। हालांकि रूस ईरान से दोस्ती सिर्फ इसलिए नहीं निभाएगा कि उसने रूस की मदद की है, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह एक मौका होगा अमेरिका से बदला लेने का। अमेरिका जो कि नाटो देशों की ताकत मिलाकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, ईरान और सभी मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भी उससे युद्ध नहीं जीत सकते, लिहाजा रूस उस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अमेरिका वो देश है जिसने पहले से ही मध्य पूर्व में अपना सैनिक जाल बिछा रखा है। उसकी भी डिटेल देखिए, मध्य पूर्व के 8 देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती देखिए। तुर्की 1,465, इराक 2,500, सीरिया 800, कुवैत 13,500, जॉर्डन 3,000, सऊदी अरब 2,700, कतर 10,000, संयुक्त अरब अमीरात 3,500। इस बीच इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने F-15 बेस का दौरा किया है। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अगर हमला किया तो इसराइल भी हिसाब बराबर करेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम चुनौतीपूर्ण समय में हैं, हम गाजा में युद्ध के बीच में जो पूरी ताकत से जारी है, बंधकों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह है कि F-15 फाइटर जेट लंबी दूरी का वार करने के लिए इसराइल का प्राथमिक हथियार है। हमारा सिद्धांत सरल है, जो भी हम पर हमला करेगा हम उसे मारेंगे। ईरान किस वक्त इसराइल पर अटैक करेगा, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश तारीख और वक्त बताकर किसी देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ता। लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया वो युद्ध देखेगी जिसमें होने वाले नरसंहार के बारे में फिलहाल सिर्फ सोचा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर देश भिड़े तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरह होगा। नमस्कार, मैं हूं ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे ईरान और इसराइल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के बारे में। तो ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब होगा परमाणु युद्ध?
तो इसराइल और ईरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। ईरान ने 5 घंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी जनरलों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध अभी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर ईरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी स्थिति में रूस ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। से युद्ध, ईरान के साथ रूस। अगर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश ये सोच रहे हैं कि हम ईरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे, तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। हुर्रा! दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इसराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है, इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, मुहासिर 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में अपनी घातक मिसाइल, 3 लाख तोप के गोले, 10 करोड़ गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इसराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ایران کے ساتھ مسلم ورلڈ، اسرائیل کے ساتھ ناٹو، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ जहां रूस ईरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी और नेटो देश इसराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है। पहले आप ये
ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इसराइल पर भयानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसराइल की ओर जाने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इसराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि ईरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरूशलम की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है। इसराइल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इसराइल की और मदद करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है ईरान की सेना ज़ायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद से पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इसराइल पर हमले किए, लेकिन वहीं इसराइल और अमेरिका का दावा है कि उसने इसराइल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इसराइल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इसराइल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज्यादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान द्वारा दागे गए करीब 99% ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ईरान के 170 मिसाइल और ड्रोन को इसराइल के बाहर ही मार दिया गया, जबकि ईरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इजरायली एयर स्पेस में नहीं घुस पाई। 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई। ईरान की 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई जिन्हें तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के नेवातिम एयर बेस में गिर गई थी। इजरायली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ईरान के 320 ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई। המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה, אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה. איראן נדחיה טרילר, אישות, תואבי באקי הם. יש לי קוץ' גנטו מג'ו הלאט פשם אישיה מג'נג סבנה. उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन जंग में सीधे तौर पर कूद पड़े हैं। इसराइल भी ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दें, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है, अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है और इसीलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसराइल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इसराइल पर हमला बोल सकती है। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है, तो वहीं खेबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासिम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाज़ टेन नाम का घातक ड्रोन भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, तो वहीं मुहाज़ टेन अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים.
अब ऐसे हालात में अगर ईरान रूस के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है तो फिर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर भी इसराइल को ईरान से बचा नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल ईरान के हमले का बदला कैसे लेता है, क्योंकि रूस अब ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हुर्रा! तो अभी ईरान के हमले के कुछ ही घंटे गुजरे हैं और उधर इसराइल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के हथियार डिपो को बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया है। इसराइल ने पूरी फोर्स के साथ ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान भी किया है और इसराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अड़तालीस घंटे यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि रेडी हो गई मिसाइल 48 घंटे में बदला लेगा इसराइल। तेहरान में जेरिको का धमाका, ईरान का बचना नामुमकिन। मोसाद का ऑपरेशन घर में घुसकर बदला, 48 घंटे बाद खाड़ी में एटमी यलगार। ईरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है, इसराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तैयार है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है, इसराइल एयर पावर का मोस्ट शॉकिंग शो दिखाएगा। ईरान ने इसराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है, इसराइल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा। ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता, ये बारूदी विध्वंस अब किसी के टाले नहीं टल सकता, क्योंकि ये युद्ध इसराइल के वजूद का है, क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इसराइल का इस दुनिया में होना ही बर्दाश्त नहीं। सही समझ रहे हैं आप, ईरान को इस धरती पर इसराइल की मौजूदगी खटकती है, इसलिए ये जंग आर पार के मोड़ तक जाएगी। इसराइल इसके लिए तैयार बैठा था, मौका ईरान ने दे दिया है। 300 विस्फोटक हथियारों से हमला कर ईरान ने इसराइल को युद्ध के मैदान में बुलाया है। दुनिया जानती है कि जब भी इसराइल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है। इसराइल क्या क्या करने जा रहा है, तेहरान में टेरर क्यों है, ईरान इसराइल टकराव की लास्ट स्टेज क्या होगी, इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है। इसराइल के हथियारों की गांट किसी के पास नहीं है, इसराइल जैसे सोल्जर बहुत कम सेनाओं के पास हैं। इसराइल के सबसे खूंखार और शातिर खुफिया कमांडो मोसाद भी जंग के लिए तैयार है। इसराइल फुल फोर्स में अटैक मोड में आने वाला है। ईरान के पास डेडलाइन भी महज 48 घंटे की है, इस टाइमलाइन के बाद क्या हो सकता है, इसे समझना है तो पहले ये जानिए कि इसराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं। ऐसे हालात में इसराइल ईरान को सबक कैसे सिखाएगा, ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा, जवाब सीधा है, युद्ध तकनीक का होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की टक्कर होगी, युद्ध के नतीजे आसमानी लड़ाके ही तय करेंगे। दुनिया का सबसे घातक जंगी जेट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इसराइल के पास है। F-35 स्टेल्थ फाइटर की खासियतें देखिए। F-35 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है। F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम। F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता। F-35 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। F-35 जमीन हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम। F-35 910 किलो के 6 बम लेकर उड़ सकता है। F-35
F-35 का बेड़ा ईरानी तबाही का सबब बन सकता है। वहीं ईरान जिस मिसाइल पावर की धौंस जमाता है उसके मामले में इजराइल भारी पड़ता है। इजराइल की एक मिसाइल ही ईरान में खूनी कोहराम मचा सकती है। नाम है जेरिको मिसाइल। इजराइल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था। मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबल शहर के नाम पर रखा गया था। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट के सहयोग से बन रही थी। बाद में इजराइल ने इसे अपने दम पर तैयार किया। मौजूदा समय में जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल के 3 सिस्टम इजराइल के पास हैं। इसकी क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर तक है। पूरा ईरान इजराइल की एक मिसाइल की जद में है, यानी ट्रिगर तेल अवीब में दबेगा और बारूदी जलजला ईरान में उठेगा। अपनी धरती से ईरान को दहलाने तक ही इजराइल नहीं रुकेगा। ईरान में घुसकर भी इजराइल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देगा। हालांकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है, जैसे कि इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा चलाकर इराक के परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इराक के ओसी राक परमाणु रिएक्टर खत्म करने के लिए इजराइल ने F-16 जेट उड़ाए थे। ऐसे इजराइल के सबसे घातक लड़ाके हैं मोसाद एजेंट, जिनका दुनिया भर में डंका बजता है। मोसाद एजेंट्स ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था। मोसाद एजेंट के ऑपरेशन से ईरान किस कदर खौफ खाता है, इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी, जब तेहरान में घुसकर मोसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपाकर रखे गए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए थे। ईरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। मोसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं। दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। वॉर फ्रंट पर मोसाद एजेंट ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों में फुल फ्लैश्ड वॉर की नौबत आने पर कई और फर्क साफ। जैसे ईरान के पास भले ही पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एयर बैटल के तमाम हथियार डेवलप कर लिए गए हैं, लेकिन इजराइल के मुकाबले उसके सैनिक ट्रेंड नहीं है। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनकी एयरफोर्स है। ईरान की एयरफोर्स इजराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। इजराइल इस मामले में ईरान से कोसों आगे है। ईरान के पास भले ही नंबर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के फ्रंट पर इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन ईरान को बेहद कमजोर समझना भी इजराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसीलिए पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और इजराइल, इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है। लेकिन इजराइल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तेमाल करता है। हर हथियार मतलब हर हथियार। मुमकिन है कि ईरान से आर पार की नौबत आए तो इजराइल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे, क्योंकि ईरान से युद्ध में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही। कट्टर दुश्मन दोनों मुल्क आखिरी सांस तक जंग जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किसी भी वक्त परमाणु हथियारों के बटन दब सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है। जाहिर है न्यूक्लियर युद्ध के खतरे को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल इंतकाम लेने के लिए कुख्यात है। इजराइल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। उरा।
इजराइल और ईरान के बीच भयंकर तनाव के हालात हैं और इस बीच में एक खबर है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तो नाबूद करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया है जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचकर हमला करने की ताकत रखती हैं। इनमें से कुछ की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं। ईरान ने आज अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन इनमें भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इजराइल के जनरल खौफ खाते हैं। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल, सेज्जिल मिसाइल ईरान के द्वारा 2 चरणों में विकसित की गई है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी। इसका डिजाइन ईरान के ज़ेलज़ल SRBM से लिया गया था। सेज्जिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमले कर सकती है। ये हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है। ईरान की दूसरी घातक मिसाइल खैबर मिसाइल, ईरान की खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। खैबर मिसाइल ईरान की मिसाइल फैमिली की 4th पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बनाई है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूद और हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का नाम ईरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था, जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था। खुर्रम शहर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दौरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है। ये मिसाइल ईरान में सयाद 3 मिसाइलों के साथ एक खास समारोह में दिखाई जा चुकी है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल इमाद मिसाइल, इमाद मिसाइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है। यह मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है। इमाद ईरान की पहली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य के 500 मीटर के दायरे में सटीक हमला कर सकती है। इसराइल इस मिसाइल को अपने लिए विशेष खतरा मानता है। ईरान की 4th घातक मिसाइल शहाब 3 मिसाइल, शहाब मिसाइल भी ईरान ने विकसित की है। यह ईरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग 1 पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 1200 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हल्के पेलोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल चीन में बनी हुए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है।
शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ही करती है। ईरान की पांचवी घातक मिसाइल फत्ता 2 मिसाइल। फत्ता 2 ईरान में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम हो रहा है और भविष्य में इसके और संस्करण बनाए जाने की उम्मीद है। फत्ता 2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पहचाने लक्ष्य को भेदने और निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा फत्ता ठोस ईंधन बूस्टर है जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाता है, और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वॉरहेड है जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। फत्ता 2 मिसाइल को ईरान के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की सबसे घातक मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आयरन डोम के कवच को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। दरअसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर ईरान ने बड़े बड़े दावे किए हैं और इनमें से एक दावा यह भी है कि यह मिसाइल आयरन डोम को तोड़ देगी। जब ईरान ने यह मिसाइल बनाई थी तब ईरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि इजराइल के शहर तेल अवीव को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर देगी? जून 2023 को ईरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ एक महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इजराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इजराइल को हिट कर देगी। ईरान के अंदर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के बाद बहुत जबरदस्त जोश है। ईरान के सरकारी टीवी में ये दावा किया गया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के एयर डिफेंस और इजराइल के आयरन डोम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है। ईरान के इन बड़े बड़े दावों पर इजराइल की भी त्योरियां चढ़ गई हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हथियारों के बारे में शेखी भगा रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हथियार के लिए और भी बेहतर जवाबी हथियार तैयार हैं, चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री क्षेत्र। ईरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा। इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी रफाइल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीज किया गया। इजराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस क्षमता का हर कोई लोहा मानता है। इजराइल के पास दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का दावा है कि उसने दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तैयार कर लिया है। स्काई सोनिक नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम आवाज से 10 गुना तेज यानी मैक 10 तक की रफ्तार से गुजरती मिसाइलों को ट्रेस कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है, स्काई सोनिक फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेगा। यही नहीं, स्काई सोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों तरह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे। अगर युद्ध हुआ तो ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या खास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है?
हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज 1 घंटे में 1225 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस तरह 1 मैक स्पीड का मतलब है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक स्पीड का मतलब है 6125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर गुजरने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है। इतना तेज हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे। این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره، یعنی هم سامانهای فضاپندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانهای فوق العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی کنم تا ده ها سال بعدم. कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसराइल ईरान के बीच कभी भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान इजराइल से बदला लेने पर उतारू है। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपने जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं, तो उधर रूस भी ताल ठोक रहा है कि ईरान का साथ देगा। अब सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष के बाद दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये युद्ध एटम बम वाला होगा। देखिए रिपोर्ट। खाड़ी खोल रही है, ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल कह रहा है कि वो ईरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालात चिंताजनक हैं। युद्ध की रणभेरी बजने से पहले ईरान और इजराइल दोनों जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर पाताल तक अपनी शक्ति तौल रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध भड़कता है तो इसकी चिंगारी इन दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी। ये आग मॉस्को भी पहुंचेगी, ये आग वॉशिंगटन भी पहुंचेगी और तब होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध। सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला संग्राम, जिसमें जमीन तो इजराइल ईरान की होगी लेकिन आमने सामने होंगे दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका जो कि पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी जबरदस्त सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता रहा है, अब और आगे बढ़ रहा है। इजराइल पर ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने दो विध्वंसक जहाज उतार दिए हैं। पहला है
यूएसएस कार्नी, जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर कूच कर दिया है। इस विध्वंसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी अर्ले बर्ग श्रेणी का विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी हार्पून एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर से लैस है। 1996 से अमेरिकी नेवी में ये विध्वंसक अमेरिका का अग्रणी हथियार बना हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इसराइल को हारते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका को इसराइल की चिंता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व में इसराइल अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान से अमेरिका की कट्टर दुश्मनी है और खाड़ी देशों को उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इसराइल का साथ देना ही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसे देखते हुए ईरान इसराइल के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने से अब तक बचता रहा है, लेकिन अब इसराइल ने ईरान के सीरिया वाले दूतावास पर अटैक कर दिया है, जिसे ईरान बर्दाश्त करता है तो उसकी इमेज मुस्लिम देशों के बीच खराब होगी। ईरान मानता है कि मुस्लिम देशों में और इसराइल के खिलाफ झंडा लेकर आगे बढ़ने में वो सबसे आगे है, लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। और उधर अमेरिका साफ लहजे में कह रहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will defend, help defend Israel, and Iran will not succeed. इसराइल को भी अमेरिका का ही सहारा है। ये अमेरिका ही है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसीलिए ईरान के युद्ध छेड़ने की धमकी के बाद अमेरिकी नेवी का मूवमेंट तेज हो गया है। यूएसएस कार्नी विध्वंसक की डिटेल आपको दिखाई, अब दूसरे विध्वंसक से जुड़ी डिटेल देखिए। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इसराइल पहुंच रहा है। ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। इसकी क्षमता 5,000 सैनिकों को ले जाने की है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के अभियानों में मदद पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभा चुका है। अमेरिका हमास इसराइल युद्ध भड़कने के साथ ही खाड़ी में केलेबंदी कर चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान या मुस्लिम देश नहीं खड़े होंगे, बल्कि खड़ा होगा रूस। रूस जो यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी मदद के चलते अब तक लड़ता रहा, हजारों सैनिक गंवा चुका है, करोड़ों डॉलर फूंक चुका है और अभी ना जाने युद्ध कब तक रूस का खून चूसेगा। इसलिए हो सकता है कि रूस ईरान इसराइल युद्ध छेड़ने की सूरत में अमेरिका से यूक्रेन वाला बदला लेने के लिए भिड़ जाए, यानी अमेरिका के जंग में कूदते ही ब्रिटेन समेत अन्य पश्चिमी देश भी इसराइल के साथ मोर्चा संभाल लेंगे। इस हालत में ईरान कमजोर पड़ेगा और उसे भी मदद की जरूरत होगी। यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका की मनाही के बावजूद ईरान ने रूस को भर भर कर ड्रोन सप्लाई किए हैं, जिसने यूक्रेन में खूब कहर मचाया है। हालांकि रूस ईरान से दोस्ती सिर्फ इसलिए नहीं निभाएगा कि उसने रूस की मदद की है, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह एक मौका होगा अमेरिका से बदला लेने का। अमेरिका जो कि नाटो देशों की ताकत मिलाकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, ईरान और सभी मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भी उससे युद्ध नहीं जीत सकते, लिहाजा रूस उस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अमेरिका वो देश है जिसने पहले से ही मध्य पूर्व में अपना सैनिक जाल बिछा रखा है, उसकी भी डिटेल देखिए। मध्य पूर्व के 8 देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती देखिए। तुर्की 1,465, इराक 2,500, सीरिया 800, कुवैत 13,500, जॉर्डन 3,000, सऊदी अरब 2,700, कतर 10,000, संयुक्त अरब अमीरात 3,500। इस बीच इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने F-15 बेस का दौरा किया है।
इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अगर हमला किया तो इसराइल भी हिसाब बराबर करेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम चुनौतीपूर्ण समय में हैं, हम गाजा में युद्ध के बीच में जो पूरी ताकत से जारी है, बंधकों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह है कि F-15 फाइटर जेट लंबी दूरी का वार करने के लिए इसराइल का प्राथमिक हथियार है। हमारा सिद्धांत सरल है, जो भी हम पर हमला करेगा हम उसे मारेंगे। ईरान किस वक्त इसराइल पर अटैक करेगा, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश तारीख और वक्त बताकर किसी देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ता। लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया वो युद्ध देखेगी जिसमें होने वाले नरसंहार के बारे में फिलहाल सिर्फ सोचा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर देश भिड़े तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरह होगा। नमस्कार, मैं हूं ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे ईरान और इसराइल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के बारे में। तो ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब होगा परमाणु युद्ध? तो इसराइल और ईरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। ईरान ने 5 घंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी जनरलों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध अभी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर ईरान पर इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी स्थिति में रूस ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। से युद्ध, ईरान के साथ रूस। अगर इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश ये सोच रहे हैं कि हम ईरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। हुर्रा! दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इसराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है।
क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है, इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 वहां से 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में अपनी घातक मिसाइल, 3 लाख तोप के गोले, 10 करोड़ गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इसराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ایران کے ساتھ مسلم ورلڈ، اسرائیل کے ساتھ ناٹو۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جہاں روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے تو وہیں امریکہ، بریٹن، فرانس समेत तमाम पश्चिमी और नेटो देश इसराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है। पहले आप ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इसराइल पर भयानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसराइल की ओर जाने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इसराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है। इसराइली सूत्रों का कहना है कि ईरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरूशलम की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है। इसराइल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इसराइल की और मदद करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है ईरान की सेना ज़ायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद से पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इसराइल पर हमले किए, लेकिन वहीं इसराइल और अमेरिका का दावा है कि उसने इसराइल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इसराइल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इसराइल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज्यादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान द्वारा दागे गए करीब 99% ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ईरान के 170 मिसाइल और ड्रोन को इसराइल के बाहर ही मार दिया गया, जबकि ईरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इजरायली एयर स्पेस में नहीं घुस पाई। 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई। ईरान की 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई जिन्हें तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के नेवातिम एयर बेस में गिर गई थी। इजरायली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ईरान के 320 ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई। אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה.
ईरान ने दिखाया ट्रेलर, युद्ध तो अभी बाकी है। पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्चिम एशिया में जंग से बने हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन जंग में सीधे तौर पर कूद पड़े हैं। इसराइल भी ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दें, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है, अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है, और इसीलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसराइल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इसराइल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। तो वहीं खेबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासिम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाज़े 10 नाम का घातक ड्रोन भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मुहाज़े 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. अब ऐसे हालात में अगर ईरान रूस के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है तो फिर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर भी इसराइल को ईरान से बचा नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल ईरान के हमले का बदला कैसे लेता है, क्योंकि रूस अब ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हुर्रा! अभी ईरान के हमले के कुछ ही घंटे गुजरे हैं और उधर इजराइल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्ला के हथियार डिपो को बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल ने पूरी फोर्स के साथ ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान भी किया है, और इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अड़तालीस घंटे, यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इसराइल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इसराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है। रेडी हो गई मिसाइल, 48 घंटे में बदला लेगा इसराइल। तेहरान में जेरिको का धमाका, ईरान का बचना नामुमकिन। मोसाद का ऑपरेशन, घर में घुसकर बदला। 48 घंटे बाद खाड़ी में एटमी यलगार। ईरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है, इसराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तैयार है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है, इसराइल एयर पावर का मोस्ट शॉकिंग शो दिखाएगा। ईरान ने इसराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है, इसराइल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा। ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता, ये बारूदी विध्वंस अब किसी के टाले नहीं टल सकता, क्योंकि ये युद्ध इसराइल के वजूद का है।
क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इजराइल का इस दुनिया में होना ही बर्दाश्त नहीं। सही समझ रहे हैं आप, ईरान को इस धरती पर इजराइल की मौजूदगी खटकती है, इसलिए ये जंग आर पार के मोड़ तक जाएगी। इजराइल इसके लिए तैयार बैठा था, मौका ईरान ने दे दिया है। 300 विस्फोटक हथियारों से हमला कर ईरान ने इजराइल को युद्ध के मैदान में बुलाया है। दुनिया जानती है कि जब भी इजराइल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है। इजराइल क्या क्या करने जा रहा है, तेहरान में टेरर क्यों है, ईरान इजराइल टकराव की लास्ट स्टेज क्या होगी, इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है। इजराइल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है, इजराइल जैसे सोल्जर बहुत कम सेनाओं के पास हैं। इजराइल के सबसे खूंखार और शातिर खुफिया कमांडो मोसाद भी जंग के लिए तैयार है। इजराइल फुल फोर्स में अटैक मोड में आने वाला है। ईरान के पास डेडलाइन भी महज 48 घंटे की है। इस टाइमलाइन के बाद क्या हो सकता है, इसे समझना है तो पहले ये जानिए कि इजराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं। ऐसे हालात में इजराइल ईरान को सबक कैसे सिखाएगा, ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा? जवाब सीधा है, युद्ध तकनीक का होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की टक्कर होगी। युद्ध के नतीजे आसमानी लड़ाके ही तय करेंगे। दुनिया का सबसे घातक जंगी जेट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इजराइल के पास है। F-35 स्टेल्थ फाइटर की खासियतें देखिए। F-35 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है। F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम। F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता। F-35 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। F-35 जमीन हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम। F-35 910 किलो के 6 बम लेकर उड़ सकता है। F-35 का बेड़ा ईरानी तबाही का सबब बन सकता है। वहीं ईरान जिस मिसाइल पावर की धौंस जमाता है उसके मामले में इजराइल भारी पड़ता है। इजराइल की एक मिसाइल ही ईरान में खूनी कोहराम मचा सकती है। नाम है जेरिको मिसाइल। इजराइल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था। मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबल शहर के नाम पर रखा गया था। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट के सहयोग से बन रही थी, बाद में इजराइल ने इसे अपने दम पर तैयार किया। मौजूदा समय में जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल के 3 सिस्टम इजराइल के पास हैं। इसकी क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर तक है। पूरा ईरान इजराइल की एक मिसाइल की जद में है, यानी ट्रिगर तेल अवीव में दबेगा और बारूदी जलजला ईरान में उठेगा। अपनी धरती से ईरान को दहलाने तक ही इजराइल नहीं रुकेगा। ईरान में घुसकर भी इजराइल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देगा। हालांकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है, जैसे कि इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा चलाकर इराक के परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इराक के ओसी राक परमाणु रिएक्टर खत्म करने के लिए इजराइल ने F-16 जेट उड़ाए थे। ऐसे इजराइल के सबसे घातक लड़ाके हैं मोसाद एजेंट, जिनका दुनिया भर में डंका बजता है। मोसाद एजेंट्स ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था। मोसाद एजेंट के ऑपरेशन से ईरान किस कदर खौफ खाता है, इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी, जब तेहरान में घुसकर मोसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपा कर रखे गए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए थे। ईरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। मोसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं। दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। वॉर फ्रंट पर मोसाद एजेंट ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों में फुल फ्लैश्ड वॉर की नौबत आने पर कई और फर्क साफ। जैसे ईरान के पास भले ही पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एयर बैटल के तमाम हथियार डेवलप कर लिए गए हैं, लेकिन इजराइल के मुकाबले उसके सैनिक ट्रेंड नहीं है। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनकी एयरफोर्स है। ईरान की एयरफोर्स इजराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती।
ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे लेकिन वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। इसराइल इस मामले में ईरान से कोसों आगे है। ईरान के पास भले ही नंबर हो लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के फ्रंट पर इसराइल दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन ईरान को बेहद कमजोर समझना भी इसराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसीलिए पश्चिमी देश खासकर अमेरिका और इसराइल इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है। लेकिन इसराइल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तेमाल करता है। हर हथियार मतलब हर हथियार। मुमकिन है कि ईरान से आर पार की नौबत आए तो इसराइल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे क्योंकि ईरान से युद्ध में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही। कट्टर दुश्मन दोनों मुल्क आखिरी सांस तक जंग जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का ये बटन दब सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध का आगाज होगा क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है। जाहिर है न्यूक्लियर युद्ध के खतरे को अब टाला नहीं जा सकता क्योंकि इसराइल इंतकाम लेने के लिए कुख्यात है। इसराइल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। इजराइल और ईरान के बीच भयंकर तनाव के हालात हैं और इस बीच में एक खबर है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है जिसे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया है जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो इसराइल तक पहुंचकर हमला करने की ताकत रखती हैं। इनमें से कुछ की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं। ईरान ने आज अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है लेकिन इनमें भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इसराइल के जनरल खौफ खाते हैं। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल सेज्जिल मिसाइल ईरान के द्वारा 2 चरणों में विकसित की गई है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी। इसका डिजाइन ईरान के ज़ेल-ज़ल SRBM से लिया गया था। सेज्जिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमले कर सकती है। ये हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है। ईरान की दूसरी घातक मिसाइल खैबर मिसाइल
ईरान की खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। खैबर मिसाइल ईरान की मिसाइल फैमिली की चौथी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बनाई है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूद और हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का नाम ईरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था, जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था। खुर्रम शहर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दौरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है। ये मिसाइल ईरान में सयाद 3 मिसाइलों के साथ एक खास समारोह में दिखाई जा चुकी है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल इमाद मिसाइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है। यह मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है। इमाद ईरान की पहली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सतह से सतह पर मार करती है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य के 500 मीटर के दायरे में सटीक हमला कर सकती है। इसराइल इस मिसाइल को अपने लिए विशेष खतरा मानता है। ईरान की चौथी घातक मिसाइल शहाब 3 मिसाइल। शहाब मिसाइल भी ईरान ने विकसित की है। यह ईरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग 1 पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। ये मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1200 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हल्के पेलोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल चीन में बनी हुए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है। शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ही करती है। ईरान की पांचवीं घातक मिसाइल फत्ता 2 मिसाइल। फत्ता 2 ईरान में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम हो रहा है और भविष्य में इसके और संस्करण बनाए जाने की उम्मीद है। फत्ता 2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पहचाने लक्ष्य को भेदने और निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा फत्ता ठोस ईंधन बूस्टर, जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाता है, और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वॉरहेड है, जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। फत्ता 2 मिसाइल को ईरान के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की सबसे घातक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आयरन डोम के कवच को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। दरअसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर ईरान ने बड़े बड़े दावे किए हैं और इनमें से एक दावा यह भी है कि यह मिसाइल आयरन डोम को तोड़ देगी। जब ईरान ने यह मिसाइल बनाई थी, तब ईरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि इजराइल के शहर तेल अवीब को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर देगी? जून 2023 को ईरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ एक महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है।
मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1,287 किलोमीटर दूर इसराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे, यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इसराइल को हिट कर देगी। ईरान के अंदर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के बाद बहुत जबरदस्त जोश है। ईरान के सरकारी टीवी में ये दावा किया गया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के एयर डिफेंस और इसराइल के आयरन डोम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है। ईरान के इन बड़े बड़े दावों पर इसराइल की भी त्योरियां चढ़ गई हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हथियारों के बारे में शेखी भगा रहे हैं जो वो विकसित कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे किसी भी विकसित हथियार के लिए और भी बेहतर जवाबी हथियार तैयार हैं, चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री क्षेत्र। ईरान जहां भी हमला करेगा बेहतरीन जवाब मिलेगा। इसराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी रफाइल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीज किया गया। इसराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस क्षमता का हर कोई लोहा मानता है। इसराइल के पास दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इसराइल का दावा है कि उसने दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तैयार कर लिया है। स्काईसोनिक नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम आवाज से 10 गुना तेज यानी मैक 10 तक की रफ्तार से गुजरती मिसाइलों को ट्रेस कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है, स्काईसोनिक फिर भी उन्हें ट्रैक कर लेगा। यही नहीं, स्काईसोनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों तरह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे। अगर युद्ध हुआ तो ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या खास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है? हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज 1 घंटे में 1,225 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस तरह 1 मैक स्पीड का मतलब है 1,225 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक स्पीड का मतलब है 6,125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर गुजरने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है। इतना तेज हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे। इन सामाने दारय सुरअत बिस्यार बिस्यार बालाई व मनोव पजीरी दर जब व बिरून जब रो दर, यानी हम सामानाय फदाफंदी के दर दाखिल जब दफा मिकनन व हम सामानाय फोकलादी गेरून कीमती के दर बिरून जब مقابله میکنم با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا ده‌ها سال بعدم. کل ملاکر مدل ایست کے حالات تناوپور بنے ہوئے ہیں اور اسرائیل ایران کے بیچ کبھی بھی ایک بڑا یدھ چھڑ سکتا ہے۔
ईरान इजराइल से बदला लेने पर उतारू है। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपने जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं, तो उधर रूस भी ताल ठोक रहा है कि ईरान का साथ देगा। अब सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष के बाद दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह युद्ध एटम बम वाला होगा। देखिए रिपोर्ट। खाड़ी खोल रही है, ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल कह रहा है कि वो ईरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालात चिंताजनक हैं। युद्ध की रणभेरी बजने से पहले ईरान और इजराइल दोनों जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर पाताल तक अपनी शक्ति तौल रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध भड़कता है तो इसकी चिंगारी इन दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी। ये आग मॉस्को भी पहुंचेगी, ये आग वॉशिंगटन भी पहुंचेगी और तब होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध। सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला संग्राम, जिसमें जमीन तो इजराइल ईरान की होगी लेकिन आमने सामने होंगे दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका, जो कि पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी जबरदस्त सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता रहा है, अब और आगे बढ़ रहा है। इजराइल पर ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने दो विध्वंसक जहाज उतार दिए हैं। पहला है यूएसएस कार्ली, जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर कूच कर दिया है। इस विध्वंसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी अर्ले बर्ग श्रेणी का विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी हार्पून एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर से लैस है। 1996 से अमेरिकी नेवी में ये विध्वंसक अमेरिका का अग्रणी हथियार बना हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इसराइल को हारते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका को इसराइल की चिंता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व में इसराइल अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान से अमेरिका की कट्टर दुश्मनी है और खाड़ी देशों को उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इजराइल का साथ देना ही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसे देखते हुए ईरान इजराइल के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने से अब तक बचता रहा है। लेकिन अब इजराइल ने ईरान के सीरिया वाले दूतावास पर अटैक कर दिया है, जिसे ईरान बर्दाश्त करता है तो उसकी इमेज मुस्लिम देशों के बीच खराब होगी। ईरान मानता है कि मुस्लिम देशों में और इजराइल के खिलाफ झंडा लेकर आगे बढ़ने में वो सबसे आगे है, लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। और उधर अमेरिका साफ लहजे में कह रहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will defend, help defend Israel, and Iran will not succeed. इजराइल को भी अमेरिका का ही सहारा है। ये अमेरिका ही है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इजराइल के साथ खड़ा होगा। इसीलिए ईरान के युद्ध छेड़ने की धमकी के बाद अमेरिकी नेवी का मूवमेंट तेज हो गया है। यूएसएस कार्नी विध्वंसक की डिटेल आपको दिखाई, अब दूसरे विध्वंसक से जुड़ी डिटेल देखिए। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इसराइल पहुंच रहा है।
ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। इसकी क्षमता 5,000 सैनिकों को ले जाने की है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के अभियानों में मदद पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभा चुका है। अमेरिका हमास इसराइल युद्ध भड़कने के साथ ही खाड़ी में केलेबंदी कर चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान या मुस्लिम देश नहीं खड़े होंगे, बल्कि खड़ा होगा रूस। रूस जो यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी मदद के चलते अब तक लड़ता रहा, हजारों सैनिक गंवा चुका है, करोड़ों डॉलर फूंक चुका है, और अभी ना जाने युद्ध कब तक रूस का खून चूसेगा। इसलिए हो सकता है कि रूस ईरान इसराइल युद्ध छेड़ने की सूरत में अमेरिका से यूक्रेन वाला बदला लेने के लिए भिड़ जाए, यानी अमेरिका के जंग में कूदते ही ब्रिटेन समेत अन्य पश्चिमी देश भी इसराइल के साथ मोर्चा संभाल लेंगे। इस हालत में ईरान कमजोर पड़ेगा और उसे भी मदद की जरूरत होगी। यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका की मनाही के बावजूद ईरान ने रूस को भर भर कर ड्रोन सप्लाई किए हैं, जिसने यूक्रेन में खूब कहर मचाया है। हालांकि रूस ईरान से दोस्ती सिर्फ इसलिए नहीं निभाएगा कि उसने रूस की मदद की है, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह एक मौका होगा अमेरिका से बदला लेने का। अमेरिका जो कि नाटो देशों की ताकत मिलाकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, ईरान और सभी मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भी उससे युद्ध नहीं जीत सकते, लिहाजा रूस उस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अमेरिका वो देश है जिसने पहले से ही मध्य पूर्व में अपना सैनिक जाल बिछा रखा है। उसकी भी डिटेल देखिए, मध्य पूर्व के 8 देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती देखिए। तुर्की 1,465, इराक 2,500, सीरिया 800, कुवैत 13,500, जॉर्डन 3,000, सऊदी अरब 2,700, कतर 10,000, संयुक्त अरब अमीरात 3,500। इस बीच इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने F-15 बेस का दौरा किया है। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अगर हमला किया तो इसराइल भी हिसाब बराबर करेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम चुनौतीपूर्ण समय में हैं, हम गाजा में युद्ध के बीच में जो पूरी ताकत से जारी है, बंधकों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह है कि F-15 फाइटर जेट लंबी दूरी का वार करने के लिए इसराइल का प्राथमिक हथियार है। हमारा सिद्धांत सरल है, जो भी हम पर हमला करेगा हम उसे मारेंगे। ईरान किस वक्त इसराइल पर अटैक करेगा, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश तारीख और वक्त बताकर किसी देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ता। लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया वो युद्ध देखेगी जिसमें होने वाले नरसंहार के बारे में फिलहाल सिर्फ सोचा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर देश भिड़े तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरह होगा। नमस्कार, मैं हूं ममता तिवारी और मॉर्निंग प्राइम टाइम के सबसे पसंदीदा शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे ईरान और इसराइल युद्ध से जुड़ी हर अपडेट के बारे में। तो ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब होगा परमाणु युद्ध? तो इसराइल और ईरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। ईरान ने 5 घंटे तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।
ईरानी जनरलों का दावा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, युद्ध अभी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट्स अब दावा किया जाने लगा है कि अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी स्थिति में रूस ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध ईरान के साथ रूस। अगर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश ये सोच रहे हैं कि हम ईरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। हुर्रा! दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इजराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है, इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, मुहासिर 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में अपनी घातक मिसाइल, 3 लाख तोप के गोले, 10 करोड़ गोलियां तक दी है और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इजराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ایران کے ساتھ مسلم ورلڈ، اسرائیل کے ساتھ ناٹو۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ जहां रूस ईरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी और नेटो देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है। पहले आप ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इजराइल पर भयानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया।
टाइम्स ऑफ इसराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इसराइल की ओर जाने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इसराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि ईरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरूशलम की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है। इसराइल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इसराइल की और मदद करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है, ईरान की सेना ज़ायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद से पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इसराइल पर हमले किए, लेकिन वहीं इसराइल और अमेरिका का दावा है कि उसने इसराइल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इसराइल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इसराइल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज्यादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान द्वारा दागे गए करीब 99% ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ईरान के 170 मिसाइल और ड्रोन को इसराइल के बाहर ही मार दिया गया, जबकि ईरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इजरायली एयर स्पेस में नहीं घुस पाई। 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई। ईरान की 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई जिन्हें तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के नेवातिम एयर बेस में गिर गई थी। इजरायली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ईरान के 320 ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई। המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה. אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה. איראן נה דיכאיה טריילר, אישות, תו אבי באקי היא. פשלה קוץ' גנטו מג'ו הלאט פשם אישיה מג' ג'נג סבנה. उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन जंग में सीधे तौर पर कूद पड़े हैं। इसराइल भी ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दें, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है, अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है और इसीलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इसराइल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इसराइल पर हमला बोल सकती है। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है, तो वहीं खेबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाज़े 10 नाम का घातक ड्रोन भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, तो वहीं मुहाज़े 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. अब ऐसे हालात में अगर ईरान रूस के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है तो फिर अमेरिका ब्रिटेन मिलकर भी इसराइल को ईरान से बचा नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और इसराइल ईरान के हमले का बदला कैसे लेता है।
क्योंकि रूस अब ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। हुर्रा! अभी ईरान के हमले के कुछ ही घंटे गुजरे हैं और उधर इजराइल ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्ला के हथियार डिपो को बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल ने पूरी फोर्स के साथ ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान भी किया है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अड़तालीस घंटे यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इजराइल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है। क्योंकि रेडी हो गई मिसाइल, 48 घंटे में बदला लेगा इजराइल। तेहरान में जेरिको का धमाका, ईरान का बचना नामुमकिन। मोसाद का ऑपरेशन, घर में घुसकर बदला। 48 घंटे बाद खाड़ी में एटमी यलगार। ईरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है, इजराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तैयार है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है, इजराइल एयर पावर का मोस्ट शॉकिंग शो दिखाएगा। ईरान ने इजराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है, इजराइल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा। ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता, ये बारूदी विध्वंस अब किसी के टाले नहीं टल सकता, क्योंकि ये युद्ध इजराइल के वजूद का है। क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इजराइल का इस दुनिया में होना ही बर्दाश्त नहीं। सही समझ रहे हैं आप, ईरान को इस धरती पर इजराइल की मौजूदगी खटकती है, इसलिए ये जंग आर पार के मोड़ तक जाएगी। इजराइल इसके लिए तैयार बैठा था, मौका ईरान ने दे दिया है। 300 विस्फोटक हथियारों से हमला कर ईरान ने इजराइल को युद्ध के मैदान में बुलाया है। दुनिया जानती है कि जब भी इजराइल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है। इजराइल क्या क्या करने जा रहा है, तेहरान में टेरर क्यों है, ईरान इजराइल टकराव की लास्ट स्टेज क्या होगी, इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है। इजराइल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है, इजराइल जैसे सोल्जर बहुत कम सेनाओं के पास हैं। इजराइल के सबसे खूंखार और शातिर खुफिया कमांडो मोसाद भी जंग के लिए तैयार है। इजराइल फुल फोर्स में अटैक मोड में आने वाला है। ईरान के पास डेडलाइन भी महज 48 घंटे की है, इस टाइमलाइन के बाद क्या हो सकता है, इसे समझना है तो पहले ये जानिए कि इजराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं। ऐसे हालात में इजराइल ईरान को सबक कैसे सिखाएगा, ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा, जवाब सीधा है, युद्ध तकनीक का होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की टक्कर होगी, युद्ध के नतीजे आसमानी लड़ाके ही तय करेंगे। दुनिया का सबसे घातक जंगी जेट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इजराइल के पास है। F-35 स्टेल्थ फाइटर की खासियतें देखिए। F-35 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है। F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम। F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता। F-35 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। F-35 जमीन हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम। F-35 910 किलो के 6 बम लेकर उड़ सकता है। F-35 का बेड़ा ईरानी तबाही का सबब बन सकता है। वहीं ईरान जिस मिसाइल पावर की धौंस जमाता है उसके मामले में इजराइल भारी पड़ता है। इजराइल की एक मिसाइल ही ईरान में खूनी कोहराम मचा सकती है।
नाम है जेरिको मिसाइल। इसराइल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था। मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबल शहर के नाम पर रखा गया था। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट के सहयोग से बन रही थी। बाद में इसराइल ने इसे अपने दम पर तैयार किया। मौजूदा समय में जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल के 3 सिस्टम इसराइल के पास हैं। इसकी क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर तक है। पूरा ईरान इसराइल की एक मिसाइल की जद में है, यानी ट्रिगर तेल अवीब में दबेगा और बारूदी जलजला ईरान में उठेगा। अपनी धरती से ईरान को दहलाने तक ही इसराइल नहीं रुकेगा। ईरान में घुसकर भी इसराइल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देगा। हालांकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है, जैसे कि इसराइल ने ऑपरेशन ओपेरा चलाकर इराक के परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इराक के ओसी राक परमाणु रिएक्टर खत्म करने के लिए इसराइल ने F-16 जेट उड़ाए थे। ऐसे इसराइल के सबसे घातक लड़ाके हैं मोसाद एजेंट, जिनका दुनिया भर में डंका बजता है। मोसाद एजेंट्स ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था। मोसाद एजेंट के ऑपरेशन से ईरान किस कदर खौफ खाता है, इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी, जब तेहरान में घुसकर मोसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपाकर रखे गए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए थे। ईरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। मोसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं। दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। वॉर फ्रंट पर मोसाद एजेंट ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों में फुल फ्लैश्ड वॉर की नौबत आने पर कई और फर्क साफ। जैसे ईरान के पास भले ही पूरे मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एयर बैटल के तमाम हथियार डेवलप कर लिए गए हैं, लेकिन इसराइल के मुकाबले उसके सैनिक ट्रेंड नहीं है। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनकी एयरफोर्स है। ईरान की एयरफोर्स इसराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। इसराइल इस मामले में ईरान से कोसों आगे है। ईरान के पास भले ही नंबर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के फ्रंट पर इसराइल दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन ईरान को बेहद कमजोर समझना भी इसराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसीलिए पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और इसराइल, इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है। लेकिन इसराइल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तेमाल करता है। हर हथियार मतलब हर हथियार। मुमकिन है कि ईरान से आर पार की नौबत आए तो इसराइल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे, क्योंकि ईरान से युद्ध में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही। कट्टर दुश्मन दोनों मुल्क आखिरी सांस तक जंग जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का ये बटन दब सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है। जाहिर है न्यूक्लियर युद्ध के खतरे को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसराइल इंतकाम लेने के लिए कुख्यात है। इसराइल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।
इजराइल और ईरान के बीच भयंकर तनाव के हालात हैं और इस बीच में एक खबर है कि ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसे जॉर्डन के ऊपर अमेरिका की सेना ने नेस्तो नाबूद करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच में यह हमला किया गया है जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचकर हमला करने की ताकत रखती हैं। इनमें से कुछ की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं। ईरान ने आज अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन इनमें भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इजराइल के जनरल खौफ खाते हैं। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल सेज्जिल मिसाइल ईरान के द्वारा 2 चरणों में विकसित की गई है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी। इसका डिजाइन ईरान के ज़ेलज़ल SRBM से लिया गया था। सेज्जिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमले कर सकती है। ये हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है। ईरान की दूसरी घातक मिसाइल खैबर मिसाइल ईरान की खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। खैबर मिसाइल ईरान की मिसाइल फैमिली की 4th पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बनाई है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूद और हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का नाम ईरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था, जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था। खुर्रम शहर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दौरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है। ये मिसाइल ईरान में सयाद 3 मिसाइलों के साथ एक खास समारोह में दिखाई जा चुकी है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल इमाद मिसाइल इमाद मिसाइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है। यह मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है। इमाद ईरान की पहली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य के 500 मीटर के दायरे में सटीक हमला कर सकती है। इजराइल इस मिसाइल को अपने लिए विशेष खतरा मानता है। ईरान की 4th घातक मिसाइल शहाब 3 मिसाइल शहाब मिसाइल भी ईरान ने विकसित की है। यह ईरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग 1 पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 1200 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हल्के पेलोड के साथ यह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल चीन में बनी हुए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है।
शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स फोर ही करती है। ईरान की 5वीं घातक मिसाइल फत्ता 2 मिसाइल। फत्ता 2 ईरान में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम हो रहा है और भविष्य में इसके और संस्करण बनाए जाने की उम्मीद है। फत्ता 2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पहचाने लक्ष्य को भेदने और निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा फत्ता ठोस ईंधन बूस्टर है, जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाता है, और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वॉरहेड है, जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। फत्ता 2 मिसाइल को ईरान के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की सबसे घातक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आयरन डोम के कवच को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। दरअसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर ईरान ने बड़े बड़े दावे किए हैं और इनमें से एक दावा यह भी है कि यह मिसाइल आयरन डोम को तोड़ देगी। जब ईरान ने यह मिसाइल बनाई थी तब ईरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि इजराइल के शहर तेल अवीब को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर देगी? जून 2023 को ईरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ एक महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इजराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इजराइल को हिट कर देगी।